ऐसी खूबसूरती का ऐसा नजारा मुझे ऐसे गांव में देखने को मिलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। फोटो निकालना तो बनता है। कौन हो तुम और मेरी फोटो क्यों खींच रहे थे? जी वो मेरा नाम अनिल है, पास के ही गांव में रहता हूँ। पिछले 8 साल में मुंबई में हूँ, फिल्म लाइन में काम करता हूँ। वो सब ठीक है, पर आप मेरी पिक्चर क्यों खींच रहे थे? वो इसलिए कि मेरे एक डायरेक्टर को फिल्म के लिए एक नई लड़की चाहिए था, और आपको देखा तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा लगा मुझे। बाबूजी ये सब पैतरे ना तुम दूसरों पे आजमाना, हमको पता है हम गरीबों को ना इतना बड़ा मौका नहीं मिल सकता। मौका मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको फोटो भेजने में क्या प्रॉब्लम है? अगर सिलेक्शन हो गया तो। बात तो सही है आपकी, आप फोटो भेज के देखिए, फिर देखते हैं ऊपर वाला मेहरबान होता भी है कि नहीं। ठीक है, और अगर आपके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो लगभग कितने पैसे मिलेंगे? जी अगर सिलेक्शन हो गया ना, पैसों की बरसात हो जाएगी, खूब सारे पैसे मिलेंगे, ऐशो आराम की बड़े आदमी बनेंगे। अगर सिलेक्शन हो गया ना, पैसों की बरसात हो जाएगी, खूब सारे पैसे, ऐशो आराम की बड़े आदमी, खूब सारे सारे पैसे। नाराज हो गया? नहीं, तुम बताओ मुंबई से कोई खबर आई? यस, किसी ने तो सीधा भागा चला गया। ऐसे क्या देख रहे हो? आज सामने हो, सोचा जी भर कर देख लूं। कल स्टार बनने के बाद तुम मुझे पहचान पाओ या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं दुनिया में कितने भी बड़े स्टार क्यों ना बन जाऊं, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कामयाबी मुझे तुम्हारी देन है। खैर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं। क्या पता भगवान मौका देता भी है या नहीं। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? क्या? यस। सच में? हाँ, ये मैसेज देखो। हाँ यार, अरे यकीन ही नहीं हो रहा है। मगर क्या? मैसेज में लिखा है ना कि 2 ही दिन में मुंबई पहुंचना होगा। तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे मानो तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मुंबई चलो। माना प्रॉब्लम होगी, मगर वो प्रॉब्लम वो कामयाबी देखकर सब हो जाएगा। सच कह रहा हूँ। ठीक है चलो, लेकिन वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा रहा है। पक्का? ओके ग्रेट। कल के शूट की पूरी तैयारी हो गई ना? मुझे शूटिंग में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी हीरोइन की लॉन्चिंग है भाई, पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, हमारी हीरोइन पूजा पटेल का नाम। समझ रहा है ना तू? ओके, मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ, बाय। अरे अनिल कब आए? वेलकम। सर आप फोन पे बात कर रहे थे इसलिए बीच में टोकना उचित नहीं समझा। अरे हाँ सर, आप इनसे मिलिए, ये आपकी फिल्म की नई हीरोइन पूजा पटेल। पूजा पटेल? वाओ, आप तो आग लगा देंगे। और सर पूजा पटेल आप थक गए होंगे, तो आज आराम करें, शाम में मिलते हैं एक छोटी सी पार्टी के साथ। कल इनका पहला शॉट रेडी होगा इनकी फिल्म करियर का। चलो टेक केयर। जी मैं
शराब नहीं पीते। आप शराब नहीं पीते और बॉलीवुड में आप काम करने जा रही हैं और शराब नहीं पीते। इस बॉलीवुड में हमें वो काम भी करना पड़ता है ऊंचाई को छूने के लिए जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा एक मकसद होता है, हम एक ऊंचाई पे जाना चाहते। कल आपका पहला शो ये मैंने सोचा है हम यहाँ पे छोटा सा रिहर्सल करें जिनमें आप भी थोड़ी इजी हो जाए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप रेडी? देखिए ये शूट जो है आपको एकदम रोमांटिक देना होगा, ऐसा आपको फील करना है जैसे आप अपने हीरो के साथ रोमांस कर रहे हैं। जी सर। दैट्स गुड। तो एक पैक और आप लें। क्या हो गया? कुछ नहीं। सच में? अनिल कैमरा रेडी है तुम्हारा? हाँ सर कैमरा भी रेडी है और कैमरामैन भी। आई रिहर्सल करो। आई आई देखिए हमें ऐसा सीन करना है जैसे आप अपने हीरो के साथ सीन कर रही है रोमांस वाला। कैसे करेंगे? नहीं जस्ट रिहर्सल पूजा। आप हीरोइन है, हीरोइन को तो सब कुछ आता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो हमारी फिल्म में। छोड़िए सर। धंधे में रोते हुए चेहरा नहीं चलता। रोना बंद कर। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता, तो तुम मेरी बात मानेगी? नहीं मैं ये तेरा तेरा ये जो वीडियो है ना तेरे गांव पहुंचाऊंगा। देखकर तेरे माँ बाबूजी शर्म का मारे खुशी कर लेंगे। तो ये रोना धोना बंद कर दे और अच्छी सूरत बना ले। एक कस्टमर बाहर इंतजार कर रहा है। और हाँ जल्दी करना। देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक अजनबी पर भरोसा कर लिया और अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्की की पड़ोसियों को विक्की पर शक हो गया और उन लोगों ने पुलिस बुला दी। पुलिस गिरफ्त में आते ही विक्की और अनिल का भांडा फूट गया और पुलिस वालों की मदद से मैं नर्क भरी जिंदगी से निकल के अपने गाँव वापस आ चुकी और पुलिस वालों ने मेरे साथ हुई घटना को मेरे घर वालों से छुपा लिया। इस तरह मैं नरक भरी जिंदगी से निकलकर एक आजादी की जिंदगी जी रही थी। लेकिन दोस्तों हर किसी की किस्मत मेरे जैसे नहीं होती, इसीलिए खुद का ध्यान खुद रखिए, सतर्क रहिए और बिना कुछ सोचे समझे किसी पे भरोसा मत कीजिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।